गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं 9th और 10th क्लास का इंग्लिश ग्रामर का 3rd चैप्टर द वर्ब का पार्ट 3rd पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट या कर्म को कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद जिस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में कर्म के प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है और उसी ऑब्जेक्ट या कर्म को हटा देने से वाक्य अधूरा रह जाता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। एग्जांपल्स है, मोहन इज़ ए डॉक्टर, इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट ए डॉक्टर है। दूसरा एग्जांपल है, शी वाज ए नर्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट ए नर्स है। तीसरा एग्जांपल है, शी इज़ ऑनेस्ट, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट है। चौथा एग्जांपल है, ही वाज ब्रेव, इसमें कॉम्प्लीमेंट ब्रेव है। पांचवा एग्जांपल है, द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, इसमें कॉम्प्लीमेंट इन द लाइब्रेरी है। छठवा एग्जांपल में, द कैट वाज ऑन द टेबल, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑन द टेबल है। कॉम्प्लीमेंट या पूरक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए है कॉम्प्लीमेंट नाउन, बी है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, सी है कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। इसमें पहली हेडिंग लेते हैं कॉम्प्लीमेंट नाउन, तो जिस कॉम्प्लीमेंट या पूरक से नाउन या संज्ञा का बोध होता है उसे कॉम्प्लीमेंट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट पेज में एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है, मोहन इज़ ए डॉक्टर, तो इसमें ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है जो नाउन है। दूसरा एग्जांपल है, शी वाज ए नर्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट ए नर्स है जो नाउन है। बी नंबर, इसमें कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हेडिंग है, जिस कॉम्प्लीमेंट या पूरक से एडजेक्टिव या विशेषण का बोध होता है उसे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें दो एग्जांपल हैं। पहला है, ही शी इज़ ऑनेस्ट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट है जो एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल, ही वाज ब्रेव, इसमें कॉम्प्लीमेंट ब्रेव है जो एडजेक्टिव है। तो सी नंबर हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब, जिस कॉम्प्लीमेंट या पूरक से एडवर्ब या क्रिया विशेषण का बोध होता है उसे कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जांपल्स में है, द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट इन द लाइब्रेरी है जो एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल है, द कैट वाज ऑन द टेबल, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑन द टेबल है जो एडवर्ब है। तो जो भी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 9th और 10th के स्टूडेंट को इसको फेयर कॉपी में डेली उतार लेना चाहिए।